का एक बार फिर से दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन नेशनल कॉन्फेडरेशन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से आज देश भर में डिमांड डे का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, आज ये डिमांड डे की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि स्क्रैप एनपीएस एंड रिस्टोर ओपीएस, यानी पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करो और एनपीएस को खत्म करो। तो दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2018 को देश भर में सभी जो केंद्रीय यानी केंद्र सरकार की जो ऑफिस हैं और संस्थान हैं, उनके सामने आज मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और वहां पर ये नारा दिया जाएगा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करो और एनपीएस को खत्म करो। तो दोस्तों, यदि आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप इस डिमांड डे का या फिर इस मांग का समर्थन करते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इस मांग में अपना समर्थन दे सकें और इस जो डिमांड डे को वो सफल बना सकें। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी ये चाहेगी कि केंद्रीय कर्मचारियों को खुश रखा जाए और अपने पक्ष में किया जाए। तो यहाँ पर यदि अधिक से अधिक केंद्रीय कर्मचारी जो पुराने पेंशन स्कीम की मांग करेंगे, तो सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी, क्योंकि जैसे ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि उसके जो कर्मचारी हैं उनको पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, उसके बाद में ये मांग और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी है। और इसी संबंध में फिर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इन जो राज्य सरकारों ने एनपीएस का रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है और जल्दी ही ये जो कमेटियां हैं वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ में ही अभी पिछले 2-3 दिन से केंद्र सरकार ने भी एनपीएस में काफ़ी बड़े बदलाव यहां पर लागू किए हैं कर्मचारियों को लुभाने के लिए। तो एक बार फिर से आज कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से एनपीएस को खत्म करवाने के लिए डिमांड डे का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम भी अधिक से अधिक इस डिमांड डे में शामिल हों और अपना सपोर्ट कॉन्फेडरेशन को दें, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बन सके और जो कर्मचारियों की बड़ी एक महत्वपूर्ण मांग है पुराने पेंशन स्कीम दोबारा से लागू करने की, वो फिर से पूरी हो सके। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं खबर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे हर एक वीडियो हम देख पाएंगे। धन्यवाद।